दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp यूज करते हो और WhatsApp पे दोस्तों आपके किसी भी फ्रेंड ने आपको मैसेज किया है, चाहे उसने फोटो भेजा, चाहे उसने वीडियो भेजा है, कोई टेक्स्ट मैसेज किया है, और उन सभी मैसेजों को आपके देखने से पहले ही वो सामने वाला बंदा अगर उन मैसेजों को डिलीट कर देता है और आप दोबारा से उन सभी के सभी मैसेजों को दोबारा से पढ़ना चाहते हो अपने फोन के अंदर, तो वो जो है किस तरीके से कर पाओगे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सब करने के लिए दोस्तों आपको जो है एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। इसी लिंक से जाकर आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो जैसे आप उस ऐप को ओपन करोगे तो थोड़ी बहुत परमिशन अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका सारा काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब दोस्तों जैसे कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है वो जो है आपको WhatsApp पे जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कोई भी आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो, वो आपको WhatsApp पे जैसे कि मैसेज करता है, या कोई भी दोस्तों आपको जो है फोटो वीडियो कुछ भी भेजता है कुछ इस तरीके से, और आपके दोस्तों उन मैसेजों को पढ़ने से पहले ही वो बंदा जो है कुछ इस तरीके से जो है डिलीट एवरीवन कर देता है, तो आप दोस्तों इस मैसेज को किस तरीके से पढ़ सकते हो मैं आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों अगर आप WhatsApp पे ओपन करोगे तो यहाँ पर तो वो दोस्तों फोटो और मैसेज वो दोनों डिलीट हो चुके हैं, पर दोस्तों आप जैसे उस ऐप को ओपन करोगे यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे ने जो है क्या मैसेज किया है, और दोस्तों उसने क्या जैसे कोई भी मीडिया की कुछ भी फोटो वीडियो भेजा होगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों काफी ज्यादा कमाल की ऐप है, ऐप को यूज करो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।